सलाम पाकिस्तान दोस्तों, मैं हूं साजिद रिजवी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज नामा। जी दोस्तों, भारत के शहर मुंबई में पादरी की दौरान हिरासत मौत पर एहतजाज किया जा रहा है। अक्वामे मुत्तहिदा ने इंसानी हकूक के एक आला अहदेदार ने कबायली अवाम के हकूक के लिए मुहिम चलाने वाले एक 84 साल हिंदुस्तानी पादरी की दौरान हिरासत मौत पर अफसरदगी का इजहार किया है, जिन्हें इंसदादे दहशतगर्दी के कानून के तहत नजरबंद किए जाने के बाद जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। गैर मुल्की खबर सा इदारे के मुताबिक फादर स्टान स्वामी को पिछले साल एक अलदम बाएं बाजू के ग्रोह से तल्लक के शक की बिना पर गिरफ्तार किया गया था और पुलिस ने इन पर आयद किया था कि उन्होंने 2018 में रियासत महाराष्ट्र में तशद्दुद का इर्तकाब किया है। ताहम पादरी ने इन तमाम इल्जामात को मुस्तरद करते हुए इनसे इनकार कर दिया था। दोस्तों, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। तो याद रहे कि घंटी के बटन को दबाना मत भूलिएगा। मुझे दे इजाज़त, खुदा हाफिज़।